हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटू को प्यार। आज मैं पहुंची हूँ राम मंदिर, यहाँ दर्शन करने। ये राम दरबार है यहाँ पे। तो ये है राम दरबार, ये राम मंदिर है यहाँ पे, और उधर हनुमान मंदिर भी है। बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है। आपको मैंने थोड़ा सा मंदिर के दर्शन करा दिए राम मंदिर के, और आज है एकादशी। थोड़ा सा मैंने बाहर ही बाहर राम मंदिर का, वहाँ पे अंदर ताला लगाया है तो मुझे अंदर को जाना अच्छा नहीं लगा ऐसे। तो अभी राम मंदिर का दर्शन कराने के बाद मैं आ गई हूँ घर को। मैं भी सब्जी लेने भी गई थी, थोड़ा सा बाहर ही बाहर मंदिर के दर्शन करके आई। आज है एकादशी, तो मित्रों सभी लोगों का एकादशी का व्रत होगा आज। तो एकादशी के व्रत में पूजा पाठ क्या कर रखे अम्मा ने, मैं आपको दिखाती हूँ। अम्मा का भी आज एकादशी का व्रत है। मेरे तो पूरे महीने चले ही हैं, अभी मेरे व्रत खत्म नहीं हुए हैं। व्रत अभी 16-17 तक रहेगा, पूरे सावन के जो व्रत होते हैं वैसे 30 तारीख तक है। अब देखिए कहाँ तक मैं कर पाती हूँ। तो मित्रों आज की पूजा मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मुझे टाइम लगे तो मैं भजन भी आपको जरूर सुनाऊंगी आज एकादशी का। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं दिखा रही आपको पूजा आज एकादशी में कितने जोत जली हैं, कितने दिए जले हैं, मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मित्रों, ये हो रही है तुलसी पूजा आज एकादशी में। इधर जोत सारी जली हैं, आप देख लीजिएगा। और इधर अब आरती मैं करूँगी, अभी आरती एक बार अम्मा ने कर ली है, फिर मैं आरती तैयार करूँगी। ये धूप रखने का हो गया। तो मित्रों ये तुलसी मैया अभी अंदर ही, जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन हम मैया को अंदर ले आते हैं। और इधर पूजा, और पूजा कर ली है, डेली की पूजा जो होती है वो कर ली है। और सभी देवताओं को भोग लगा है, आपने देखा होगा विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, ये तुलसी दल सारी चीज़ें भोग लगी है इधर। और यहाँ मैया रानी का श्रृंगार कर रखा है, और इधर भी जो जली है। तो मित्रों आज का ब्लॉग है मंदिर से शुरुआत हो रही है। इधर भोलेनाथ जी की भी पूजा हो गई, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी को आप देख रहे होंगे, विष्णु लक्ष्मी जी को। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए आप, विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन कर लीजिए। उधर राम दरबार है। तो मित्रों आज पूजा जो मैं कर रही हूँ, आज भजन भी मैं आपको सुनाऊंगी। अभी मैं तुलसी मैया का मैं भी श्रृंगार करूँगी। अम्मा ने तो चंदन टीका सब कर रखा है। आज अक्षत नहीं लगाई जाएंगे, कोई भी देवताओं को हमने आज अक्षत नहीं लगा रखे, आप देख लीजिएगा। एकादशी को हम चावल बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, और मेरे माथे पे भी अक्षत नहीं लगे होंगे, आपने देखा होगा। तो तुलसी मैया का भी मैं श्रृंगार करती हूँ। तो मित्रों देख सकते हो मैंने गुल्हड़ के फूलों से तुलसी मैया का श्रृंगार कर दिया, इसी से माला पहना दी इनको, पीले फूल से भी मैया को सजा दिया है। और इधर ये देखिए आप, ये सारा हाथों में, इनके सिर में, पैरों में मैंने पूरा फूलों से मैया रानी को सजा दिया है, आप देखिए तुलसी मैया को। इधर माँ को लगा है भोग, इधर देख लीजिए आप। तो आज एकादशी का व्रत सबके लिए शुभ हो, सब प्रसन्न चित रहें, सब मस्त रहें। इधर मैया रानी है, माता रानी के दर्शन तो मैं आपको कराती रहती हूँ रोजी। तो ये आज की पूजा अब हो गई है मैया रानी के लिए, जो जली हैं शाम को भी जलेंगे। ये हर एकादशी को ऐसे जो जलानी चाहिए, लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं। तो मित्रों भजन भी मैं अभी सुनाऊंगी आपको। ले लो तुलसी का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसी का नाम सवेरे उठ के, रे सवेरे उठ के, रे सवेरे उठ के, ले लो तुलसी का नाम सवेरे उठ के। देखो गणपति जी के अंगन तुलसी का गमला, देखो गणपति जी के अंगन तुलसी का गमला, रिद्धि जलवा चढ़ावे सवेरे उठ के, सिद्धि जलवा चढ़ावे सवेरे उठ के। ले लो तुलसी का नाम सवेरे उठ के, ले लो तुलसी का नाम सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, रे सवेरे उठ के, ले लो तुलसी का नाम
सवेरे उठ के। तो मित्रों तुलसी का नाम सवेरे उठ के लेना चाहिए और नहा धो के सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। आजकल कार्तिक तक जो हम तो सदा ही जलाते हैं जो तुलसी मैया को, लेकिन जो लोग ये तुलसी लगाने से तुलसी उद्यापन तक जोत जलाते हैं, जरूर जिसके अपने सामर्थ्य अनुसार घी की जोत जलानी चाहिए, एक जोत एक सुबह एक शाम जलानी चाहिए तुलसी मैया को जोत। तो मित्रों तुलसी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। अभी मैं फिर आपको एक भजन आज और सुनाऊंगी, तो आज का ब्लॉग यही व्रत वाला ही होगा। मित्रों बने रहिएगा आप। इधर भी कलश रख दिया है लक्ष्मी मैया के सामने और इधर माता रानी के सामने भी कलश रख दिया। आजकल मित्रों ये जितने भी तांबे के बर्तन मेरे चमके रहते थे, आजकल अम्मा तो रोज मल ली, लेकिन ये बरसात में जितना चमकाओ फिर तुरंत वैसे ही हो जा रहे हैं। तो अब मैं करती हूँ अपनी जो रोज व्रत वाली पूजा है वो करती हूँ। तो आपको अभी भजन सुनाती हूँ, थोड़ी देर में सुनाऊंगी मैं बढ़िया भजन। बारिश ने तो बिल्कुल हाल खराब कर दिया मित्रों। अभी सब्जी लेने गई तो भीग के मेरी हालत खराब हो गई है। राम दरबार भी मैं पूरा आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन पंडित जी पूजा करके चले गए थे। राम मंदिर के बाहर ही बाहर मैंने दर्शन करा रखे, आप देख लीजिएगा।